हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो है व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम से, और जो अभी जो है 6:30 के लगभग टाइम है, और अभिनव नहीं है घर में, वो कहीं गए हुए हैं तो उनको कुछ काम था, अभी आ रहे हैं। बस उनके लिए मैं बनाऊँगी चाय, और चाय के साथ बनाऊँगी उपमा। उपमा की रेसिपी मैं बहुत बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत लाइट वेट खाने के लिए होता है। तो चलिए वो बनाती हूँ, थोड़ी सी रेसिपी आप लोग के साथ जो उसकी शेयर कर देती हूँ, क्विक रेसिपी कैसे वो बनता है। आज थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बनाऊँगी उसको, ताकि वो जल्दी बन जाए और थोड़ा सा अलग है। आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बनाऊँगी। और अभी तक मेरे कुछ व्लॉग्स पुराने हैं, वो अभी एडिट नहीं हुए हैं। हम लोग घूमने गए हुए थे तो वहाँ के व्लॉग्स हैं कुछ, और मैं आज कोशिश करूँगी कि अब मैं जो वो व्लॉग भी डाल दूँ। और इस वीडियो से पहले जो है ना, मैंने आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो मैंने अपनी छोटी वीडियो बनाई है डांस की, कोशिश करी है। क्या होता है ना, जब हम कैमरे में देखते हैं ना, हम बनाते हैं तो थोड़ा सा हम मतलब एक उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जितना कि विदाउट कैमरे में होते हैं। तो वैसे तो मैं कोशिश मैंने करा है कि अच्छा डांस करूं, बट फिर भी मेरे को ये पता है कि जैसा मैं करती हूं विदाउट कैमरा, उससे उतना अच्छा नहीं हुआ है। बट फिर भी उसको ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसे छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स में डालती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि डांस की या किसी भी चीज़ की छोटे छोटे शॉर्ट्स डालूँ। तो चलिए ब्लॉग को जो है कंटिन्यू करते हैं। बनाती हूँ चाय अदरक वाली, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सभी जगह ठंड है, NCR में, दिल्ली NCR में, और बाकी जितने भी एरियाज़ हैं सभी जगह अभी ठंड हो रही है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा, इतना ही है। तो अदरक वाली मस्त सी चाय बनाते हैं, और उसके साथ बनाएंगे उपमा, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है पानी रख दिया है, ये करीबन 2 से 3 कटोरी जो है पानी होगा, और गैस को जो है फुल कर दिया है। इस टाइम ये ना बॉयल होगा, और बॉयल करने से पहले भी खैर आप इसमें सूजी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ी सी सूजी डाल रही हूँ। ये एक या डेढ़ कटोरी के लगभग अंदाज से सूजी डाल रही हूँ, और इसको जो है हमें पानी में अच्छे से अभी बॉयल होने देना है। सूजी फूल जाएगी तब तक, और सूजी जो है ये भुनी हुई सूजी है, तो इस चीज़ में इसमें जो है कच्ची सूजी नहीं डालनी है, थोड़ी सी भून कर डालिएगा। कच्ची सूजी और फूलेगी ना, तो उपमा जो है उसमें थोड़ी सी आपको भुनी हुई सूजी डालनी होती है। तो चलिए इसको जो है बॉयल आने देते हैं, और अभी मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी। तो अभी इसको मैं ऐसे चला रही हूँ, ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इसको चला रही हूँ ऐसे, और गैस को जो है ये सूजी इसमें अंदर अभी फूलेगी, थोड़ा पानी भी अभी बॉयल होगा, सूजी और इसमें गलेगी। तो गैस जो है अभी तो जो है फुल कर रखी है मैंने, जब पानी बॉयल होगा ना, ताकि सूजी जब उबलेगी इसके साथ तो बाहर आएगी, देखिए यहाँ से बाहर आएगी, तो इसलिए जो है गैस को हम कम कर देंगे। उसको बहुत गैस कम करके फिर इसको जो है हम पकाएंगे, जिससे कि हमारी सूजी जो है वो कच्ची ना रहे। तो हम पूरी सूजी को इसमें ही, इस बर्तन में ही हमें पूरा जो है अच्छे से जो है सूजी को गला लेना है, थोड़ा फुला लेना है। बाकी अभी वो उपमा के लिए जो और चीज़ें चाहिए वो मैं जो है तैयार कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या चाहिए हमें। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो है देखिए फूल गया है ये ऐसे, है ना, और इसको हमें ऐसे अलग से जो है मैंने फुला लिया है ये। और उपमा ना मैं और अभी ना थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मतलब गीला ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं खाते, इसलिए अभी और भी ड्राई होगा। तो ये पूरा इस टाइम जो है गल गया है ये। और यहाँ पर एक तरफ जो है मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई को अभी मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, रिफाइंड घी, जिसमें भी आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने प्याज काट ली है, 2 प्याज काटी है मीडियम साइज की, बड़ी बड़ी, साथ में बहुत बारीक बारीक हरी मिर्च काट ली है, अगर आप खाते हैं तो आप डाल लीजिए हरी मिर्च, वरना लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये जो है ये डाला है कड़ी पत्ता, इसको अच्छे से धो लिया है, 5-6 कड़ी पत्ते के वो है, 5-7 करीबन कड़ी पत्ते, इनको अच्छे से धो लिया है, धोना ज़रूरी है, मिट्टी बहुत होती है। और ये आलू काट लिए हैं, एक आलू है मीडियम साइज़ का, इसको बहुत बारीक बारीक जो है मैंने अभी काट लिया है। तो अब कढ़ाई में जो हम तेल डालेंगे, फिर उसके अंदर राई डालेंगे, और ये सारा मटेरियल जो मैंने काटा हुआ है ये डालेंगे। तो चलिए मैं ना गर्म करके पहले इसमें ऑयल वगैरह सब डाल लेती हूँ, राई डाल लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या इसके अंदर डाला है, और उसको कितनी देर तक हमें फ्राई करना है। और जो है ये लिए हैं मैंने 2 टमाटर, इनको भी मैं बहुत बारीक बारीक काट लूँगी, इनको भी डालना है इसके अंदर। तो अभी मैंने काटा नहीं है, जब तक मेरी प्याज जो है ना गलेगी ऑयल के अंदर और आलू भी गलेंगे, उतनी देर में जो है मैं टमाटर काट लूँगी, फिर मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारी सूजी फूल गई है, हम इसको अब जो है थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, गैस को इस टाइम बंद कर देंगे। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत कम होगी सूजी तो वो जो हम ढक के रखेंगे तो बंद में गर्म से हो जाएगी। तो इसको जो है मैंने ढक दिया है, और यहाँ पर देखिए मैंने जो है कढ़ाई गर्म करने का इसमें डाला रिफाइंड, और रिफाइंड के बाद आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी जो है इसमें काली
राई देख रहे हैं आप, ये डाली है मैंने छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली डालनी है। उसके बाद इसमें प्याज डाल दिए और ये आलू डाल दिए हैं। गैस इस टाइम जो है हमारी कम है, अभी हमें इनको जो है अच्छे से सब चीज़ों को भूनना है, फ्राई करना है, ठीक है, जिससे कि हमारे आलू भी गल जाए और हमारी जो है प्याज जो है फ्राई हो जाए। अब जो है मैं टमाटर काट रही हूँ बारीक बारीक, गैस को कम ही रखना है। आप बाद में तेज कर सकते हैं टमाटर जब आप डाल देंगे ना तो, बट अभी जो है सिम रखें जिससे कि जो है बाकी सारी चीज़ें ना जलने पाए। तो चलिए बारीक बारीक टमाटर काटते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ टमाटर का साइज़। तो अभी इसमें जो है ना मैंने नमक नहीं डाला है, और अब जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर। ये देखिए मैंने काट दिए हैं, बड़े काटते हैं छोटे काटते हैं कोई भी किसी तरीके का आप काट सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब जो है थोड़ा सा गैस को कर देंगे तेज, जब तक कि ये टमाटर गलेंगे ना तो तब तक आलू भी हमारे गल जाएंगे और ये सारा मटेरियल अभी बहुत कम हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, तो नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, बाकी हल्दी चाहें तो आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च जो भी आप डालना चाहें, मैं नहीं डाल रही हूँ अभी कुछ भी इसमें उपमा में। और इसको जो है अभी थोड़ा सा हम गलने देते हैं, आलू देख लेते हैं हमारे हुए कि नहीं, आलू हमारे होने ही वाले हैं थोड़ा सा, जब तक हमारे टमाटर गलेंगे तब तक हमारे आलू भी हो जाएंगे। बाकी हरा धनिया वगैरह जो भी आप खाना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मेरी कढ़ाई देखिए इस तरीके की है, इसको माइंड मत करना क्योंकि ना डेली यूज़ की ये कढ़ाई है, इसको कितना भी धो ये ऐसी ही रहती है, इसलिए फिर मैं इसको इतना नहीं धोती, मतलब हाउस हेल्पर हैं वो भी धोती हैं मैं भी धोती हूँ, फिर भी ये यहाँ यहाँ से काली हो ही जाती है। बाकी मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, देखिए ये मेरे पास अलग है नॉनस्टिक कढ़ाई है, तो जब भी मैं मतलब अलग से कोई शूटिंग की वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसमें शूट करती हूँ, बाकी ये मेरा डेली ब्लॉग है तो मैं इसमें जो है घर के बर्तन ऐसे ही वाले यूज़ करती हूँ, है ना। आप भी जानते हैं कितने भी इस तरीके के बर्तन होते हैं वो आप कितना भी साफ़ कर लो वो इतना चमकते नहीं है, तो कहीं आप बोले इसको मैं इतना साफ़ करती हूँ, मेरी साफ़ नहीं होती सॉरी। तो जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है और अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो फिर इतना जो है क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पाती है, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, अपना सेहत का भी ध्यान रहना, ठंड बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ मैं कोशिश करूँगी इनको मैं अच्छे से और क्लीन करूँ। हाउस हेल्पर करती हैं बट उसके बाद भी इतना रह ही जाता है तो फिर खुद से करना ही पड़ता है। अब देखिए बात करते करते आपसे ये भी मेरा गल चुके हैं टमाटर, और आलू का देखते हैं, अभी थोड़ा सा आलू रह गया है ना, थोड़ा सा रह गया है तो इसको भी गैस कम कर देते हैं और थोड़ा सा इसको होने देते हैं, अभी थोड़ी देर मैं इसको ढक दूँगी। अभी ये भुन गया है अच्छे से, इसके जो आलू हैं वो भी गल गए हैं। अब हम इसमें जो ये हमने उपमा को बॉईल किया हुआ है इसको इसके अंदर डाल देंगे। अभी ये इसके अंदर जो है हमने बॉईल की हुई थी सूजी वो इसके अंदर मिला दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, बस। तो इसको अब ये बन गया है क्योंकि हमने जो है सूजी को पहले ही बॉईल कर लिया था, तो अब हमें जो हम वैसे उपमा बनाते हैं अगर हम अलग से बॉईल नहीं करेंगे तो हम फिर जब हमारा जो मसाला जो है बन जाता है उसके बाद हम सूजी को डालते हैं फिर पानी डालते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगता है। मैंने इस तरीके से आज थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है वो आप लोग के साथ शेयर किया, तो इस तरीके से भी आप जो है बना सकते हैं और इससे ना जल्दी बन जाएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए ये बन गया है, इसको जो है अब हम ढक देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, और एक तरफ बना लेते हैं चाय। तो अभी जो है 10 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ दाल, वो जो उड़द की दाल होती है वो वाली, और अब बहुत ठंड है तो मैंने इस तरीके से अपने सर को कवर कर लिया है क्योंकि जो सारी ठंड है ना वो कान के थ्रू जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और उस टाइम जो है मैंने जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की उपमा की बहुत टेस्टी बना था, इस तरह से आप ट्राई करिएगा। और उसके बाद बहुत ठंड थी तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई। अभी जो है मैं बना रही हूँ दाल, उस दाल की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो ये दाल भी बहुत अच्छी बनती है। बट इसमें जो है हींग बहुत यूज़ कीजिएगा हींग का, क्योंकि ये जो दाल होती है उड़द की ये बादी करती है, विदाउट छिलके वाली दाल है ये। इसको मैंने आधे घंटे करीब पहले भिगो दिया था और अब जो मैं इसको बना रही हूँ, तो दाल और रोटी यही हम लोग खाएंगे। इसमें जो है तड़का लगेगा लहसुन का बहुत ज़्यादा सा, जो है लहसुन इसमें अच्छा लगता है, बाकी आप खाते हैं तो आप डाल सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि ठंड भी बहुत है तो लहसुन जो है गर्म होता है अच्छा भी होता है, तो इसीलिए मैं लहसुन भी डालूंगी, गर्मियों में मैं कम डालती हूँ। तो चलिए इसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ बैक कैमरे से।
तो इसको जो है एकदम जैसे डूबा पानी होता है ना, उसमें मैंने भिगो दिया है। अब जो इसको 3 से 4 बार वॉश करने के बाद जो है मैं कुकर में बनाऊंगी, तो चलिए उसको भी शेयर करती हूँ कितना पानी डालना है, कितना बाकी क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। तो ये देखिए अभी मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया है, और ये जितनी दाल है ना उस करीबन ये आधा कटोरी दाल है, और 3 से 4 कटोरी लगभग मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और आधा चम्मच लगभग हल्दी डाली है, बाकी नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और जो है इसमें भी हींग भी डालनी है, लेकिन हींग का तड़का और लहसुन का तड़का बाद में लगेगा। तो अभी सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। अब इसको कुकर बंद करके मैं रख दूँगी, 3 से 4 जो है सीटियाँ लगेंगी और गैस जो है फुल करके, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट जो है मैं इसको सिम करके जो है फिर बनाऊँगी, फिर खोल के देखेंगे ये होती है कि नहीं होती। तो चलिए अभी तो मैं इसको रख देती हूँ कुकर को बंद कर गैस ऑन कर गैस के ऊपर। तो अभी जो है दाल को अब हम छौंक रहे हैं, दाल यहाँ पे बन गई है देखिए, और ये इतनी ही इसकी जो है ना गाढ़ी होनी चाहिए, ये कंसिस्टेंसी इसकी इतनी ही रहनी चाहिए, तो ये गाढ़ी ही अच्छी लगती है। और बाकी अगर आप पतला खाते हैं तो पतला भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हमें गर्म कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 तरीके की लाल मिर्च ली है, एक तो कलर के लिए ली है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी जो है दूसरी वाली पाउडर वाली तीखी मिर्च होती है, और साथ में जो है ये मैंने लहसुन काट लिए हैं करीबन 5-6 हैं, बाकी आप जितना खाएं उतना डाल सकते हैं कम ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा देसी घी है, इसको मैंने जो है पिघला लिया है अभी, और ये इसमें अभी जो है मुझे फ्रेश घी और भरना है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से ये जो है पाप सारा जो है मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो अब इसको जो है डाल देते हैं इसके अंदर, और ये घी में ही ज़्यादा स्वाद लगती है, बाकी आप जो भी ऑयल यूज़ करें कर सकते हैं। देखिए पिघला लिया था तो इजी हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड में घी को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से जो है तवा रख के तवे के ऊपर, तवा जब गर्म हो गया था उसके ऊपर मैंने ये वाला जो बर्तन है स्टील का ये रख दिया था, ये अच्छे से जो है गर्म हो गया है। और ये सारी जो गैस है ना अभी मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि जब दाल बनी थी तो दाल जब बॉयल होती है ना तो ये आसपास ऐसे छींटे पड़ जाते हैं, तो उसको क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो जब मेरा काम हो जाएगा तभी क्लीन करूँगी। अब ये हमारा हो गया है, और इसमें मैं डाल दूँगी ये लहसुन, इसमें थोड़ा सा जीरा भी आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, थोड़ा सा जीरा भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा, क्योंकि जीरा है अभी इसमें डालना है तो मैं अंदर से निकालना है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हैंड देती हूँ, बट थोड़ा सा जीरे से भी जो अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च, और कलर वाली दोनों लाल मिर्च और वाली दोनों मैंने मिक्स कर ली है इसके अंदर, इस तरीके से मैंने दोनों चम्मच में दोनों मिक्स कर लिए। थोड़ा सा लहसुन जब भुन जाएगा उसके बाद हम जो है इसके अंदर दाल को जो है डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, जैसा भी सही लगे। तो अब जो है हमारी हमारा जो लहसुन है ये भुनने वाला है, अब इसमें डाल देंगे हम ये लाल मिर्च, और इसके अंदर जाएगी ये दाल। देखिए, और इसको थोड़ा मैं अभी चम्मच से चला रही हूँ, ज़्यादा घुली हुई ना ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए नमक जो है वो मैंने भी टेस्ट नहीं किया, अगर कम होगा तो मैं और थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी। बस ये बन गई है, और इसको हम कर देंगे बंद, और अब मैं बनाऊँगी रोटी। अभी मैंने ये बड़ा चमचा ले लिया है, उससे चल नहीं रहा था, तो अब ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने और चलाया, थोड़ा कुकर में भी रह गई थी वो, अब देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और बस इसको अब हम बंद कर देंगे, ये हो गई है हमारी दाल। अभी जो है मैंने रोटी बना ली है, अब मैं गरम कर रही हूँ पराठे यहाँ पे, ये दिन के 2 पराठे रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा इनको भी गरम कर लेते हैं खाने के लिए, क्यों वेस्ट करनी है चीज़ ना। तो ये भी जो है गरम कर रही हूँ मैं अभी। अगर खा सकते हैं तो खा लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा दिन पुराने हो गए हैं, 1-2 दिन के हो गए हैं, तो फिर आप इनको खिला सकते हैं, किसी भी जानवर को, गाय को खिला दें या आप डॉगी को खिला दें इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है ये पराठे मेरे गर्म हो गए हैं, यहाँ पर मैंने बनाए हैं कुछ
रोटियां तो अभी ना जितनी खाएंगे खा लेंगे, बाकी अगर एक्स्ट्रा बच जाएगी तो फिर देखते हैं उनको। मैं सुबह जो है ना इनमें तेल लगा के तवे पर सेक लेती हूँ, मैं उस तरीके से जो है खा लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। एक दो रोटी मैं एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, कम नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो है पराठे भी गर्म हो गए हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, और रोटी भी बन गई है। इसको कर देते हैं गर्म बंद। तो अभी मेरा जो है सारा खाना बन गया है और 11 बजने वाले हैं। अभी का जो है अभी ब्रेक होगा तो हाफ एन आवर का, उसके में वो जो है डिनर करेंगे। तो बस किचन देखिए मेरी पूरी एकदम फैली हुई है अभी, ये मुझे पूरी क्लीन करनी है अभी। यहाँ सारे बर्तन हैं, ये वॉश करने वाले बर्तन हैं। तो ये जो है सुबह धुलेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे क्रॉकरी आइटम है कांच के या लकड़ी के, वो मैं धो के हटा देती हूँ, वो मैं नहीं जूठे में डालती हाउस हेल्पर के लिए। जो बर्तन टूटने वाले होते हैं वो नहीं डालती, उनको मैं धो देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हल्का सा गर्म पानी कर लेती हूँ, या फिर जो है नल में अगर गर्म आ रहा होता है किचन में तो मैं उससे धो लेती हूँ। तो बस अब जो है मेरे पास यही ही मेरा काम है जो मुझे क्लीन करना है, और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी अपने रूम में। तो अभी तो अभी को खाना खाना है तो उनको खाना देना है, उसके बाद जो है फ्री होने के बाद देखती हूँ क्या करूँगी। थोड़ी सी स्टडी करती हूँ अपनी, और कुछ यूट्यूब पे ही कुछ वीडियोस देखती हूँ नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन जिससे कुछ मिले, थोड़े से शॉर्ट्स देखती हूँ, जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ें करती हूँ। और अभी तो बहुत ठंड है तो पहले तो बहुत ठंड से बचना है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस मंथ की ठंड है, तो अब आने वाले जो जनवरी की मंथ है, फिर जनवरी मिड में भी शायद 14-15 तारीख के बाद, नहीं 26 जनवरी के बाद जो है फिर ठंड कम हो जाएगी। तो जो आज का ब्लॉग है बहुत छोटा है, और मैं यहीं पर इसको जो है एंड कर रही हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैंने जो जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की उनको ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी बनती हैं। और एक आप जो है ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, स्नैक्स के लिए बना सकते हैं, और बाकी खाने में ये दाल बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लगेगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करने वाली है, और साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नहीं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आएंगे, और सब्सक्राइब करने से जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी वो वीडियो आप लोगों तक जाएंगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।